नमस्कार दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि सी बैंड के सैटेलाइट पर न जाने हमारे लिए कितने नए चैनल्स के टेस्ट सिग्नल ट्रांसमिशन शुरू होता रहता है। कुछ चैनल्स तो ऐसे होते हैं जो कि झट से आपके डीटीएच प्लेटफॉर्म में या केबल टीवी में लॉन्च हो जाते हैं, और कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो कि सी बैंड सैटेलाइट पर ही टेस्ट सिग्नल में ही रह जाते हैं और कभी भी डीटीएच प्लेटफॉर्म में या केबल टीवी में देखने को नहीं मिलते। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उसी तरह से एक और जानकारी आपके बीच लेकर आएंगे, क्योंकि हम पहले भी आपके बीच इसी तरह की सूचनाएं लेकर आते रहते हैं कि कोई नया चैनल हमारे भी शुरू हुआ है और आज भी एक नया चैनल का टेस्ट सिग्नल ट्रांसमिशन सी1डी सैटेलाइट पर शुरू हो गया है। किस भाषा का चैनल रहेगा, सैटेलाइट कौन सा रहेगा, आपको कितने डिग्री ईस्ट पर सेट करना होगा अपने सी1डी डिश एंटीना को, जिसके बाद ये जो नया चैनल आप देख पाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे। चैनल पहली बार आए हैं अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के सबसे पहले पाने के लिए। चलिए अब बात कर ही लेते हैं कि आखिर वो कौन सा चैनल रहने वाला है। तो इस चैनल का जो नाम है वो रहेगा न्यूज 360 डिग्री। नाम से तो काफी कंफ्यूजन पैदा हो रही है, क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूज चैनल तो है लेकिन कौन सी भाषा का है। तो बताना चाहूंगा, ब्रॉडकास्टर ने इसे तेलुगु भाषी चैनल शुरू करने का फैसला किया है। टेस्ट सिग्नल ट्रांसमिशन इस चैनल का शुरू कर दिया गया है। अभी तक की बात करें तो इस चैनल की जो पिक्चर क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी टेस्ट फेज में है, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही ऑफिशियली लॉन्च होने वाला होगा तो इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव कर दी जाएगी। और फ्रीक्वेंसी की जानकारी आप जो है आप सामने देख सकते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी की जानकारी है वो रहने वाली इस चैनल की। सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट रहेगा G30 जो कि 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर अवेलेबल है। इसी सैटेलाइट पर जो है इस नए चैनल की शुरुआत हो रही है। अभी ऑफिशियली लॉन्च कौन सी तारीख से होगा इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, और ना ही ब्रॉडकास्टर की तरफ से कोई ऐसी जानकारी आई है कि किसी डीटीएच प्लेटफॉर्म में भी लॉन्च होने वाला है। अगर ये लॉन्च होता है तो हमारे लिए सरप्राइजिंग होगा, अचानक से जो भी अगर ये चैनल हमारे बीच डीटीएच प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाता है तो। लेकिन फिलहाल ब्रॉडकास्टर की तरफ से ऐसी कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। अगर इस चैनल को आप अभी भी देखना चाहें तो आपके घर पर सी1डी का सेटअप अगर हो रखा हो तो उस चैनल को आप जरूर देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। नमस्कार।